अलवर में भी शराब की दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी इंदिरा गांधी स्टेडियम में निकाली गई। इस दौरान जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, एसपी परेश देशमुख और मेवाड़ी एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लॉटरी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला आबकारी अधिकारी बनवारी लाल ने बताया कि जिले में 206 समूह में से 254 देसी व कम्पोजिट और 39 अंग्रेजी शराबों के दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई है। गत 7 मार्च तक कुल 19,468 आवेदन फार्म जमा हुए थे। इन फार्मों से 58,40,40,000 राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार यहां स्टेडियम में आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में लॉटरी निकल रही है, जो अलवर में 206 देसी समूह हैं और 39 IMFL की दुकान है। इनके लिए कुल 19,468 फॉर्म आए, जिससे 58,40,00,000 के आसपास का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है राज्य को। और अभी हम शुरू करने वाले हैं कलेक्टर साहब के साथ, और लॉटरी पूरी पारदर्शी LED TV वगैरह लगाई हुई है, बोलना और वो सब सभी जनता के सामने निकलेगी। और उसके बाद आज जो भी सफल आवेदक होंगे उनको उसके माध्यम से उनको दुकान लगाने के